कि तेरा ये दुनिया देखेगी तब तेरे उभरते हुए हुनर को। अरे तेरी इतना जल्दी मार दिया। इंशाल्लाह अगले साल से हमारे स्कूल के बच्चे भी हमारे कराटे लावा सर से सीखेंगे और आपके सामने स्टेज पर इंशाल्लाह जरूर प्रेजेंट करेंगे। यहाँ से कॉमेडी शुरू होती है, दो चार मैं भी दूंगा आपको कॉमेडी। नजदीक में था, मेरे को बहुत डर लग रही थी। आप लोग तो बढ़िया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस वेलकम कहिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह। आवाजें नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक मिनट अभी आपके लिए आवाज नहीं है। अरे आवाज आनी चाहिए। अभी स्टॉप प्लीज। अब जरा इस साइड से मेरे लिए और दूर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिसको कैटरिंग किए हमारे स्कूल के एक होनहार। जी मार्किन, देखो कोई आया है। जी कौन है रे? राजी साहब है क्या? राजी साहब कोई मिलने आया है। जा मुझे करना। आपका नाम? हमारा नाम काजल है। जी उन्होंने कहा काजल तो सब चीज का नाम है ना, कि इंसान का या कुछ हो क्या कर। हम क्या काम करते हैं? लकड़ियों का काम करते हैं। उसने कहा बकरियों का काम करते हैं। बकरियों का ये कौन सा काम है? अभी जो वो कहाँ रहते हैं? अब कहाँ रहते हैं? हम रेगिस्तान में रहते हैं। उन्होंने कहा चप्पल अंदर रख के बाहर जा। Hey!
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। लगता नहीं रीमा, इन्हें वॉशरूम लेके जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो। पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें चाय में क्या मिला था। मैंने चाय में एक चम्मच हल्दी का पाउडर और अदरक मिलाया था। तो गाड़ी में पेट्रोल डालो और सभी पानी से पोछा। इस बार कोई गलती तो दो थप्पड़ मार दूंगी। काजल दी जी राधी साहब, बाहर घूमने चले? हाँ चलो चलते। अभी गाड़ी को क्या हुआ? शायद अब गाड़ी में कुछ क्या होगा। हाँ चलो चलते हैं। यहाँ मेरी कमर, मेरी भी नकरानी, मुझे मेरी कुर्सी पे लेके चलो। जी यहाँ मेरी कमर, मेरी भी नकरानी। अब ठीक तो है ना? मंगाया ना तो वापस फंस गई। थैंक यू। कब मारना? मार ओके। थैंक यू। जिसको गाइड कर रहा हमारे स्कूल के एक टैलेंटेड टीचर मुस्कान ने। हम सभी कॉमेडी जरूर देखते हैं, आप लोगों का मन दूसरी तरफ खोलने के लिए हम लोगों ने कॉमेडी का शीट दिखाया। मैं भी देखता हूँ कॉमेडी, द कपिल शर्मा शो में भी देखता हूँ थोड़ा बहुत मूड को चेंज करने के लिए। लेकिन आप लोग देखते रहे, अभी वही चलता है दिया बाती और हम सास और बहू या और कुछ दूसरा भी चलता है। कपिल से मशहूर कौन सा देखते हैं? जरा थोड़ा हाथ दिखाइए जरा। कोई भी नहीं? अच्छा देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अब हमारे बीच जो मौजूद हैं न्यूज चैनल से लिब्रा टाइम्स और प्रश्न चक्र, तो हमारे न्यूज चैनल वाले सर आए हुए हैं लिब्रा टाइम्स और प्रश्न चक्र से। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जो यहाँ अभी स्टेज पे लाइव शो होगा। और आप लोग यूट्यूब तो जरूर चलाते होंगे, मैक्सिमम लोग यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे भी आप लाइव देख सकते हैं। सर का भी लाइव शो रहेगा लिब्रा टाइम्स और प्रश्न चक्र से। ये दोनों सर आए हुए हैं। Now we move for the next program is Meri Ma Pyari Ma poem guided by Ati Bhavis. Ladies and gentlemen, please give a heart take breath and give a huge round of applause. मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल जाने को।
मैं नहीं कहूंगा कि लोग तालियां बजाएं, माँ के लिए एक शेर है, मुझे पता नहीं आप ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, पर तालियां ना बजाएं। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ के पाल लेती है चार से पांच बच्चों का पेट, पर चार पांच बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। बचपन में होते हैं दो भाई रहते हैं, एक उधर से कहते हैं मेरी माँ, एक इधर से कहते हैं मेरी माँ, लेकिन जब जवान हो जाते हैं तो उधर से बोलते हैं ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा, रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा, कौन करेगा। सर लिबरा टाइम्स और प्लस जिंदगी चैनल वाले सर आए हुए हैं, आपका यूट्यूब पे चैनल भी है सर, कौन से नाम से है सर? लिबरा टाइम्स और प्लस चैनल, तो अभी घर जाकर सब लोग चैनल सब्सक्राइब करें और देखें न्यूज और हमेशा अप टू डेट रहें, पता नहीं कब कौन सी जगह पे क्या घटना हो जाए और आप न्यूज से अपडेट रहेंगे, तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें लिबरा टाइम्स और प्लस चैनल को। नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, गाइडेड बाय अकीफा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज इनकी दिली अफवाइश पूरी करना है। अबे सिलो मारना बेटा, वेट 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 वेट, कभी यूट्यूब पे न्यूज देखते हैं, कभी टेलीविजन पे देखते हैं, कभी पहले जमाने में सुना करते थे रेडियो पे, बट रेडियो का जमाना तो रहा नहीं, अब मोबाइल पे सुनते हैं। हमारे बीच मौजूद है प्रश्न चक्र न्यूज सच के साथ अकबर अली अंसारी जी, का कॉन्टेक्ट नंबर है 9320520502। वन सेकेंड और रिपीट 9320520502। और दूसरे हमारे लिबरा टाइम्स
कोई भी अगर आपको गेस्ट के लिए बुलाना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनकी एडिटर इन चीफ है करीम दाऊद साहब, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8422995190 8422995190। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए YouTube खोलिए, YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए प्रश्न चक्र न्यूज सच के साथ, और दूसरा लिब्रा टाइम्स प्रेस, इससे भी ज्यादा जानकारी, हमसे ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी YouTube पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज से अपडेट करें। गाइडेड बाय सजना मिस, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। हौसला अफजाई कीजिए, हौसला, मैं जो कुछ बोला वो भी नहीं बोल पाऊंगा, हौसला अफजाई इतने सुने चलने वाला, थोड़ा ज्यादा ताकत लगा के, पानी वानी चाहिए, पानी है। अरे आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है, क्या बात है, जीत जाएंगे ये हारने के लोग। आज इस महफिल में मेरी तकरीर का अनुमान है, मेरे प्यारे दोस्त हर्षद क्यों तेरे बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह पर आपकी रहमत है, आप अपने अपने अबू खूब खिदमत करते थे, एक दिन की बात थी आप अभी छोटे से थे, अम्मी जान को प्यास लगी, कहा बेटा एक प्याला पानी ला दो, आप दौड़े गए, जब वापिस आया देखा कि अम्मी जान की आग लग गई, उन्होंने अम्मी जान को उठाना मुनासिब ना समझा, अगर उठाया जाए तो अम्मी जान को तकलीफ होगी, इसके लिए पानी का प्याला लेके सिराने चले गए, जब अम्मी जान की आग खुली कहा बेटा तुम उस वक्त सब तक खड़े हो, आपने बड़े अदब से कहा जी अम्मी जी मैं उस वक्त सब तक खड़ा हूँ कि ना जाने कब आपकी आग खुलो और पानी पेश करो, ये जवाब सुनकर अम्मी जान बहुत खुश हुई और बेटे को खूब दुआएं दी, चुनाचा बड़े के खूब अल्लाह वाले हुए, देखा मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह तुम भी अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करो, इससे अल्लाह भी खुश होंगे और दुनिया में इनाम देगा, आखिरत में जन्नत अता करेंगे, वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप भी मिलते कहाँ, माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप भी मिलते कहाँ, मत हो कभी उनसे खफा, फिर मिलते कहाँ। सीमा शेख ने आपको बताया माँ बाप के अदब, बिल्कुल माँ बाप जो है बहुत ही हमारे जिंदगी के अहम रोल अदा करते हैं, उन्होंने ही हमें अपने पेट में 9 महीने रखा, उसके बाद हम लोग को जन्म दिए और हम लोग आज इस दुनिया में इधर से उधर कमाने के चक्कर में लग गए हैं और अपने माँ बाप की खिदमत करना भूल गए हैं। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो रब भी राजी होगा, और जब रब राजी होगा तो आपके लिए दुनिया भी में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, इसलिए तो रब ने इरशाद फरमा दिया कि माँ बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और आपको जन्नत का दरवाजा है, फ्री में जन्नत मिल रही है, जितना लूटना है लूट ले, जन्नत मिल रही है, माँ बाप की खिदमत करें, और मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगा कि हमें और साथ ही साथ पूरी दुनिया के तमाम मोमिन मोमिनात को अपने माँ बाप के अद्भुत एहतराम करने की तौफीक और नसीब अता फरमाए, आमीन। Our next program is conversation, Amreen and Huera, guided by Sajna Miss. Please come on the stage and give a beautiful presentation right up in front of their parents. Please, call you sister, call her in the right. Hello, I'm Tata. Assalamualaikum, 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 तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इसकी जानकारी दे सकते हैं।
मैं आगे आती हूँ और महिला के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, दुनियावी नॉलेज और दीनी नॉलेज, हमारा स्कूल एमएस मदीना स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो कि मॉडर्न है और इस्लामिक है, एक ऐसा स्कूल है जहां आपको और आपके बच्चे जो हैं पढ़ते हैं उन्हें दुनिया की नॉलेज तो मिलती है जो किताबी नॉलेज है, साथ ही साथ आखिरत के बारे में भी जानकारी, जैसे हमारे दुनियात के स्पेशलिस्ट टीचर भी हैं वो दुनियात पढ़ाती हैं, हमारे स्कूल में इस्लामिक नॉलेज भी दी जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में हैं जहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ आपको दुनिया और दीन दोनों की नॉलेज मिलती है। अब लगे हाथ मैं भी अपना ऐड कर लूँ, मौका मिला है तो मौका छोड़ दूँ, इसलिए कहते हैं कि फ्री के चैनल किस में बनकर, मेरा भी एक चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे जाके रहमान क्लासेस, वहाँ पे आपको मिलेगी अप टू टेंथ यानी टेंथ क्लास तक आपके क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आंसर होते हैं चैप्टर वाइज, वो आपको देखने को मिलेगा, मेरी आवाज़ है उसमें, मैंने अपना फोटो भी लगाया है, तो वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेंथ क्लास तक के सारे मैथ के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप वहाँ पे देख सकते हैं, रहमान क्लासेस याद रखिए। मौका मिला है तो मौका पे चौका मार देता हूँ। फिलहाल वी मूव फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम व्हिच इज रिसाइटिंग पोएम फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास सीनियर केजी नर्सरी एंड जूनियर केजी रिसाइटिंग पोएम, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन right up in front of all the way audience here, please come on the stage. Hal kare zara hausla afzai kare hum bachche hain thodi sadi ko और उसके माँ बाप
से Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
नंबर चार बिस्मिल्लाह पढ़कर दीना, नंबर पाँच तीन दस में दीना, नंबर छह पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम कर रहा है क्या बेच रहा है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ भी देते हैं। इस ईमान वाले के लिए अल्लाह इसलिए चिंटे को भगा और ऊपर से इसको उठा के भगा। अब्दुल इसको भी टकले को भी उसी रहने दे। अब्दुल को टकले को उठा। उठा दे वहाँ से। Thank you.
Hello. Hello, Jay. Here is come a poem from the student of junior class, Isfa and Ibrahim Group. Hello. मैडम जिन्होंने बच्चे को इतने अच्छे तरीके से पूरी मेहनत के साथ सिखाया, आप लोग लगते हैं बिल्कुल खामोश हो गए हैं, शायद लाइट बीच में आके कुछ डिस्कनेक्ट कर गया, इसलिए आप लोग बहुत खामोश हो गए हैं। जरा एक बार अपने इंटरेस्ट का सबूत पेश कीजिए और हमारे साथ बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज नहीं आ रही है जिस तरह से शुरुआत में आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगे, माशाल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, गाइडेड बाई अकीफान टीचर, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ हिट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द जगह खड़ी है कहीं भी, अगर जगह खाली हो तो बैठ जाएंगे प्लीज। कॉपरेट करिए प्रोग्राम को अच्छे से, होने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए जो लोग खड़े हैं बड़े मेहरबानी चेयर पर बैठ जाएंगे। और कापे पे पड़ी पहली नजर हमारे दयाल में, फिर तारीख में कहिए सी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक बार और जोरदार मजेदार और शानदार जोरदार। Yeah.
बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
काश मैंने एमएस मदीना स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। Our next program is for बेटियों की अहमियत, जिनको स्किट है, जिनको गाइड किए हैं हमारे स्कूल के बहुत ही काबिल टीचर समीरा मिस। एक बार जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें बेटियों की अहमियत कितनी है हमारे इस जमाने में, उनके बारे में बताएंगे। चिल्लाई बाबर का दो दिया तहरेस, बेटियां हमारे घर की जीनत और रौनक होती हैं, बेटियां हमारे लिए अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियों से ही हमारी शान है, बेटियों से ही खूबसूरत के जहान है। और अफसोस हमारा ये समाज बेटियों की कदर नहीं करता। आइए आपको ले चलते उसी घर में जहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो बाप माँ बेटी को छोड़कर घर चले आता है, बेचारी कमजोर माँ बेटी को लेकर घर पहुँचती है। बेटी की विलादत के बाद आप अस्पताल नहीं आए, वहाँ कितनी परेशानियाँ हुई, दवा लाने यहाँ कोई नहीं था, क्या बात है, सब खैरियत तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है, देखिए कितनी प्यारी बच्ची है ये। बताओ इसे यहाँ से, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। आखिर इस मासूम से क्यों नाराज हो, इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है आपका? इसने मेरा ख्वाब मिट्टी में मिला दिया। मैंने सोचा था एक बेटा है एक और हो जाएगा तो दोनों मिलकर मेरा कारोबार संभाल लेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। अब इसके लिए जहेज का इंतजाम फिर मैं किस मुंह से बताऊंगा कि मैं एक बेटी का बाप हूँ? ये मेरे ये शर्म की बात है। लो अभी इसे खत्म कर देता हूँ। क्या करें, ये हमारी बेटी है, बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटे और बेटी में आखिर क्या फर्क है? अगर इसकी अच्छी से अच्छी तारीफ और तरबियत करो तो ये हमारे दुनिया में भी हमारा नाम करेगी और आखिरत में भी हमारे इज्जत का जरिया होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटी की अच्छी से अच्छी परवरिश करने वाले को जन्नत में आला मुकाम पसारत सुनाई है। लेक्चर देना बंद करो, इसे मेरी नजरों से दूर ही रखो। मेरी बच्ची तेरे बाप ने तुझसे नजर करी, लेकिन तेरी माँ तेरी अच्छे से अच्छी परवरिश करेगी। हमारे समाज को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत का हुक्म दिया, बेटी और बेटे में फर्क ना करने की तालीम दी। पर अफसोस हमारा ये समाज बेटियों से नफरत करता है, हमने बहुत सम है। आइए आपको नहीं चलते हैं फिर उसी घर में माँ ने जिस बेटी को लेके घर में दाखिल हुई वो 5 साल की हो चुकी है। साथ के एडमिशन के वक्त मैंने आपसे कहा था एडमिशन आप किसी मदीना इंग्लिश स्कूल में करा दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसका एडमिशन अपने कन्वर्ट स्कूल में करा दिया। अगर आज मदीना इंग्लिश स्कूल में पढ़ता तो आपकी इज्जत का ना सीखता। तुम्हारी जितनी अकल है उतनी बात क्या करो, मदरसे में पढ़ा के जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? कन्वर्ट में पढ़ेगा तो दुनिया में कामयाब इंसान बनेगा, MBA करके मेरा बिजनेस संभालेगा। लड़के के बारे में जो आपकी मर्जी तो आपने किया, लेकिन आप सुमाई 5 साल की हो गई है, इसका भी एडमिशन हो जाना चाहिए। मेरी माने तो इसका भी एडमिशन मदीना इंग्लिश स्कूल में करा देना सोचा था, लेकिन आप तो मदीना इंग्लिश स्कूल की तरह कई स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीन की भी पढ़ाई होती है। तुम्हारी लाडली पल उठाने के लिए मेरे पास फजूल पैसे नहीं, और वैसे भी लड़की ही तो है, क्या जरूरत है महंगे स्कूल में पढ़ाने की? पढ़ाने का ज्यादा शौक है तो किसी सरकारी स्कूल में डाल दो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं, ना तो उसे नौकरी करनी है और ना बिजनेस। आपको अटेंशन कपड़ों खिलौने के साथ साथ मैं सभी करना मना फरमाया है, लड़कियों के एजुकेशन में फर्क करना मना फरमाया है। ओफो,
फिर तुम्हारा लेक्चर शुरू हो गया, कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे पास में हो तो तुम जाओ। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है, मैं अपने बच्चे की जिंदगी खुद संवारूंगी, खुद मेहनत करूंगी और ये साबित करूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं। जब तुम ये कर लेना तब मुझे बता देना। समाज औरत को एक औरत की नजर से देखता है, उन्हें अबला और कमजोर समझा जाता है। माँ ने बेटी को बेहतरीन दीनी और तालीम दी, वो बेटी आज डॉक्टर है। बाप ने जिस बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, उसके लिए आज बलिदान बना हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं फिर उसी घर में जहाँ बेटा बाप के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है। कौन सी जरूरत पेश आ गई? मुझे दोस्तों के साथ सिंगापुर पर जाना है। अभी दो महीने पहले तो गोवा घूम कर आए थे, जाते वक्त 50,000 ले गए और वहाँ से भी 50,000 मंगवा लिए। अगर ऐसे पैसे उड़ाते रहोगे तो मेरी 30 साल का कारोबार खत्म हो जाएगा। ओहो, कमोल बाबा, वैसे भी आपने ये सब किसके लिए किया है? मेरे लिए ना। अगर कुछ नुकसान हो रहा है उसमें आपका क्या जाता है? साथ तुम्हारे अंदर भी जरा शर्म नहीं कि तुम माँ बाप के सामने सिगरेट पीने लगे? ओहो अम्मा, आप भी जन्यात उसी अनपढ़ औरत की तरह। अब मैं छोटा बच्चा हूँ, अब मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, उसका मुझे पूरा हक है। तो जो तुम्हारे दिल में चाहे वो तुम करो, लेकिन वालिदैन की इज्जत करना तो सीख लो। पापा, मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए, वरना मेरे दोस्त के ग्रुप में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अब तुम्हें फुसूल उड़ाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब मैं बूढ़ा हो गया, अपनी आवाज की छोड़ के मेरे काम में हाथ बटाओ। मुझे अभी पैसे चाहिए, मुझे आपके काम की कोई लेना देना नहीं। कहा ना दूर रहो, तुम्हें फुसूल उड़ाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम क्या तुम्हारा बाप भी है? ये मेरी औलाद है, इसके लाड़ प्यार में मैंने क्या कमी की थी? जिसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने हर एक ख्वाहिश की, आज वही बेटा मुझे धक्का देकर चला गया। आप गुस्सा ना करें, अगर बेटा बेकार निकल गया क्या हो गया? आपकी बेटी तो है, वो परमा बरदार है, वो आपसे बे इंतहा मोहब्बत करती है। ये बेटा जिसके ऐशो आराम के लिए मैंने हर चीज फरेंग की, उसका मेरे साथ ये सुलूक है। क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? हेलो सुमैया, तुम फौरन आ जाओ, शायद तुम्हारे अब्बा के सीने में दर्द है। आप परेशान ना हो, सुमैया अभी आ रही है, अल्लाह ताला ने उसके हाथ में बहुत शिफा दी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आ रही बेटी, आ रही बेटी, आ गई। क्या हुआ है अब्बा को? परेशान ना हो, कुछ नहीं रहा है, बस एक इंजेक्शन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नॉर्मल हार्ट अटैक है, परेशान ना हो, थोड़ी देर में इंशाल्लाह उनका बैठ जाए। क्या अल्लाह मेरे वालिद को सेहत कामिल अता फरमा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अब्बा, मैं आप ही की बेटी हूँ, कुछ तो असर होगा। बेटी, मैं तुझे बेसहारा समझता था, लेकिन जब लोग तुम्हारी काबिलियत की तारीफ करते हैं तो मेरा सर फर्श से ऊंचा हो जाता है। अब्बा, ये सब उस तालीम और तरबियत का नतीजा है जो मुझे बचपन में मम्मी से मिला है। बेटी, मैं तुझे बेना इंसाफी की, मैंने हमेशा तेरी बिरादरी की, लेकिन तुमने आला तालीम हासिल करके ये साबित कर दिया कि तुम सही थी और मैं गलत। अब्बा, आप आराम करिए। जज़ाक अल्लाह खैर, थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से बेटे और बेटियों में जो फर्क देखने को मिला, इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियां तो बेटियां होती है और रहमत होती है। भले ही आप
कि बेटे को और बेटियों दोनों को बराबर दर्जा दिया जाए, लेकिन आजकल हमारे समाजले में ऐसा हो नहीं रहा। लड़के को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और लड़कियों को तवज्जो कम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आपकी ही औलाद है, तो हमें चाहिए कि हम बेटियों की भी इज्जत करें, उसे भी पढ़ाएं, लेकिन इस्लामिक माहौल में पढ़ाएं, वहाँ दीनी तालीम भी उनको आती हो, जो उनके लिए उनके आखिरत के लिए कामयाबी आए, और बेटे को ही पढ़ाएं। दोनों आप दोनों को एक ही नजरिए से देखें, अलग अलग नजरिए से नहीं देखें।